गुड इवनिंग। मैं आपके साथ एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, या एडवांस एक्सेल फॉर्मूला हम कहेंगे ये। हम आपको एक्सेल 2019 के वर्जन में आपको सिखाएंगे, और हमारे साथ हर्ष नारायण चौबे जी हैं और अतीश पांडे जी हैं, और इनके साथ आज पहला दिन है। तो पहले दिन में हम इनके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड। अब क्वेश्चन आता है कि पहले दिन ही हम आपको ताला मारना क्यों सिखा रहे हैं? सर पैसे तो बाद में आएंगे, तिजोरी ली है तो ताला चाबी मारना जाना चाहिए ना सर? क्या बोले जी? पता चला कि काम कर रहे हैं और काम करते करते डेटा चला गया। तो यस पहले हम जान चले कि ताला कैसे मारेंगे। क्या बैंक में भी अकाउंट में पैसे जमा करने जाते हैं तो हमसे पूछ लेते हैं, भाई पैसा कोई लेगा तो नहीं? पैसा जमा करते हैं, फिर रात में एक बार सपना आया कि कहीं बैंक ने पैसे लूट लिए, फिर जाके पूछेंगे उनसे कि भाई बता दीजिए हमारा पैसा आपके पास सेव है या नहीं सेव है। सेम थिंग दैट। और माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैं मजाकिया मूड में पढ़ा रहा हूँ, मेरी हैबिट है। तो हम बात कर रहे हैं आज अपने प्रोटेक्शन मेथड की। तो हम आपको थ्री लेवल की प्रोटेक्शन कराएंगे। हम बात करेंगे सेल, हम बात करेंगे सीट, और हम बात करेंगे फाइल की प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन मतलब कि हम अपने डेटा को किसी और के चेंजिंग या किसी और के व्यूइंग या किसी और की कॉपी से प्रोटेक्ट करना, मेरे परमिशन के बगैर या बिना चाहे हुए कोई भी पर्सन मेरे डेटा के साथ कुछ ना कर सके, दैट कॉल प्रोटेक्शन। ओके, सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं सीट प्रोटेक्शन से, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं सीट की प्रोटेक्शन से कि हाउ कैन प्रोटेक्ट योर सीट सेल। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि कोई पर्सन मेरे डेटा को चेंज ना कर सके, तो मैं सीट के ऊपर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा एंड जस्ट प्रोटेक्ट सीट। और इसमें हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालते हुए इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि कंफर्म पासवर्ड में या क्लियरली माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि इफ यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि पासवर्ड नहीं रिकवर होता है, पासवर्ड क्रैक हो जाता है, बहुत सारे क्रैक एडिंग्स है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपकी पासवर्ड डिपेंड करता है पासवर्ड की स्ट्रेंथ पे क्योर या नहीं होगा सर यही ले लो, रिकवर। यही ले लो। ओके, हर चीज समझ में आया? जी सर। सो यहां पे हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि हमने पासवर्ड अप्लाई तो कर दिया, हम डेटा को चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि कोई इस डेटा को सिलेक्ट तो कर सकता है और सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता है, राइट? इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है ये डेटा कॉपी भी न कर सके कोई। ओके, कॉपीज को रिमूव करना एक्सेल के अंदर में नहीं है, मतलब एक्सेल की किसी भी जरिए आप कॉपी को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि कॉपी इज नॉट पार्ट पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस, ये विंडो का पार्ट है। तो डिसेबल करना ना करना ये विंडो के अंदर में आता है, एक्सेल के अंदर में नहीं आता है। बट मैं नहीं बोला हूं कि ये डिसेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि बिना सिलेक्शन का कॉपी तो हो नहीं सकता। सो जब हम पासवर्ड डालते हैं, जैसे मैं एक बार इसको अनप्रोटेक्ट करता हूं, पासवर्ड डाल के जब हम प्रोटेक्ट सीट करते हैं, तो आपने गौर से यहां देखा होगा अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। इसका मतलब ये हुआ, अब हिंदी का ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं, बट इसका मतलब हुआ कि एक जितने भी चेक बॉक्स हैं, ए चेक बॉक्स पे अगर जिस पे हम क्लिक करेंगे वो अलाउ होगा आफ्टर द पासवर्ड।
जैसे कि मान लीजिए हमने फॉर्म अभी फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, तो हम डेटा को चेंज बट फॉर्मेटेड, हम डेटा को अपनी फॉर्मेटिंग जरूर कर सकते हैं, ओके। तो सेम थिंग अगर हम इसकी देखें तो डिफॉल्ट जो होता है आपका सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल होता है। अब लॉक्ड क्या होता है, अनलॉक सेल क्या होता है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में, लेकिन फिलहाल इतना हम समझ पा रहे हैं कि सिलेक्शन करने की अथॉरिटी कि आफ्टर द प्रोटेक्शन वी हैव सिलेक्ट द डेटा। तो हम सिंपल सी इसकी अलाउंस हटा देते हैं, जब हटा दिए फिर पासवर्ड डाले एंड ओके किए, कहीं पे क्लिक ही नहीं होगा न कर्सर मूव होगा, तो हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा। और जब डेटा सिलेक्ट ही नहीं होगा तो हम कॉपी कैसे करेंगे। तो अतीश पांडे जी और हर्ष जी समझ में आया जी? सर यस सर, समझ में आया ना सर? तो आप जी ट्राई करके देखिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा फोन करके। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हमारा प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड है। हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट को प्रोटेक्शन से बाहर करना। जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो यहां पे देखते हैं प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। जो सेल लॉक्ड है उसी पे प्रोटेक्शन अप्लाई होती है। अब लॉक्ड अनलॉक्ड अभी थोड़ी देर पहले यहां भी देखे थे, तो फर्स्ट हम जानते हैं कि लॉक्ड क्या होता है। देखिए हर सेल की प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे राइट क्लिक करके, अगर आप फॉर्मेट सेल करते हैं तो फॉर्मेट सेल में अगर जाते हैं तो सबसे लास्ट टैब आपका आता है प्रोटेक्शन। इस टैब के अंदर जाएंगे तो आपको यहां पे लॉक्ड पे क्लिक दिखेगा। तो जो लॉक्ड पे क्लिक है मतलब ये लॉक्ड को सपोर्ट कर रहा है, ओके, लॉक्ड को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पासवर्ड डालने के बाद एक जो भी सेल है जिस पे लॉक्ड क्लिक है उस पे हम टाइपिंग नहीं कर सकते, बट अगर हटा दे तो कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके हमने उसको हटा दिया, मतलब कि इस कलर एरिया पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाया गया, प्रोटेक्शन टैब में गया और लॉक्ड सेल को हटा दिया। अब मैं इस पे पासवर्ड डालूंगा, मैं यहां पासवर्ड नहीं डाल रहा हूं क्योंकि बताया था रिकवर नहीं होता है, मैं पासवर्ड भूल जाता हूं इसलिए। तो यहां पे नहीं कर सकते बट इस सेल पे टाइप कर सकते। हर्ष जी? जी सर। अब मुझे इसी का उल्टा करना है, उल्टा के लिए क्या करेंगे हर्ष जी? मतलब कि हम इस रेड एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, इस रेड एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम, हर्ष जी नहीं समझ पाया? नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा। आपको भी हो रहा है जी? नहीं सर। हर्ष जी लग रहा है आपकी सेलफोन में हो सकता है, नेटवर्क में नहीं होगा। तो इसका उल्टा करेंगे, मतलब कि हम पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इसमें से लॉक को हटा देंगे, मतलब कि एंटायर सीट पे पासवर्ड डालने पे किस सीट के किसी भी लोकेशन पे मैं टाइप कर सकता हूं, बट हम एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल करते हैं और लगा देते हैं। मतलब कि इस रेड एरिया पे ही लॉक सेल लॉक लगा है, बाकी एरिया लॉक से बाहर है। और राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे जाइए
आप ओके कर दीजिए। अब मैं कहीं भी टाइप कर सकता हूँ, बट यहाँ ये सारी कहानी और ये सारी चीजें तो बता दी, लेकिन इसका यूज क्या होगा, इसमें क्या करेंगे इस चीज को? प्रोटेक्ट को समझ में आ गया कि हाँ भाई अपने डेटा ने बनाया उसको, बट इन सब का यूज है। देखिए हर जगह पर अलग अलग यूज होता है, लेकिन मैं इसको यूज करता था अपने फॉर्मूला डिसेबल करने के लिए, मैंने फॉर्मूला को व्यू के लिए, व्यू से डिसेबल करने के लिए और नॉट चेंजेबल करने के लिए। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा बनाता हूँ छोटा सा, कि क्वांटिटी है, एमआरपी है, यहाँ पे अमाउंट है, रेट टैक्स के बाद यहाँ पे टोटल एंड डेट, और यहां पे हम नेम्स दे देते हैं अपने, नेम्स मतलब लिखेंगे, टाइप करेंगे इसमें अमाउंट जो है इज द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड एमआरपी, एंड टैक्स इज आल्सो 18% ऑफ एमआरपी, एंड टोटल इज द अमाउंट एंड इसका सम है। और भी चीज हो सकती है, मान लो कि हम इसमें कमीशन ऐड कर देते हैं, चलिए कमीशन ऐड कर देते हैं, कमीशन इज द 2% ऑफ द एमआरपी, टाइम दे दिया। अब क्या है कि मुझे टाइप करना, जैसे मैं टाइप किया पूजा, क्वांटिटी में 20, एमआरपी मान लीजिए 30 डालता हूँ, ये बाकी कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है। अब मुझे डेट एंड टाइम डालने के लिए यहाँ आना पड़ता है, तो मुझे क्या होता है कि चार बार अपने एरो की को दबाना होता है या टैब को दबाना होता है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 सेकेंड ऑलमोस्ट हो जाता है। दूसरा, इसमें क्या क्या फॉर्मूला लगा है हर कोई देख सकता है और मे बी चेंज भी कर सकता है। सो हम चाहते हैं कि ना ही इतने एरिया पे कोई चेंजिंग कर सके और ना ही कोई सिलेक्ट कर सके, कर्सर डायरेक्ट यहां से यहां की तरफ जंप हो। तो हर्ष जी और अतीश जी, आप समझ में आ गया आपको कि हमें करना क्या है? यस सर। तो अब यहां क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूरी सीट को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां पे हम लॉक को हटा देते हैं ताकि टाइप कर सके, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन तो इन्हीं कॉलम में रखना है ना। इन कॉलम को उठाया और फिर से वापस लॉक कर दिया, जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने किया था। ओके? अब मैं पासवर्ड डालते समय एक चीज का ध्यान रखूंगा कि यहां से सिलेक्ट लॉक्ड सेल को अनचेक कर दूंगा, मतलब कि मैं चाहता हूं कि डी ई एफ जी कॉलम में कर्सर ना जाए, और डी ई एफ का जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा लॉक्ड है, बाकी रेस्ट ऑफ कॉलम हमारे अनलॉक्ड है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए एंड ओके करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे दूसरी एंट्री करता हूँ, नीरज 85 ये डाल दिया, और जैसे एंटर मारा कर्सर सीधे मूव हो गया ना। जी, तो ऐसे हमारा कर्सर मूव हो गया, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब कि अगर दूसरा एग्जांपल दो, जैसे मैंने आपके एक आप फॉर्म वगैरह बनाते हैं ना, नेम राहुल और यहां पे मार्क्स, चाहता हूं कि मेरा एंटर मारने पे मैं टाइप इन तीन पे ही कर सकूं और मेरा एंटर इन तीनों के अलावा कहीं और न जाए। यहां से एंटर मारूं तो यहां नीचे ना सीधे जंप यहां पे करें, उस केस में भी हम कंट्रोल के साथ तीनों को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेट में जाके इसकी प्रोटेक्शंस को अनलॉक करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम यहां पे प्रोटेक्ट शीट पे जाके हम यहां पे सेलेक्ट लॉक से हटा देंगे।
प्रिंटर मारिए, डायरेक्ट जंप यहाँ कर रहा है आंसर, और हम टाइप भी तीनों में कर सकते हैं, समझ गए। अगला टॉपिक आता है कि मुझे सिर्फ फॉर्मूला को हिडन करना है, मतलब कि फॉर्मूला में दोबारा तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है डी वन में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो उसके लिए सिंपल है कि आप फॉर्मेट सेल में जाए और इसकी हिडन हिडन पे क्लिक कर दें और पासवर्ड डालें। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे जाएंगे दिखेगा, तो इसका जो फॉर्मूला मेनू बार था वो डिसेबल हो गया। अब कॉपी कहीं पेस्ट भी करते हैं तो सिर्फ उसका डेटा पेस्ट होगा, फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। हर्ष जी, अनति जी, साथी जी सर, म्यूट है। इसमें अगला आता है टॉपिक, मैं चाहता हूं कि एक सीट के अंदर पे मोर देन वन पासवर्ड देना, एक सीट के अंदर मोर देन वन पासवर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ये हमारा मिस्टर ए है और ये हमारा मिस्टर बी है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर ए अपने पे एरिया पे काम कर पाए, मिस्टर बी के एरिया के साथ छेड़छाड़ ना करे, और मिस्टर बी मिस्टर ए के एरिया के साथ छेड़छाड़ ना करे, तो उसके लिए हमें जाना होगा रिव्यू मेनू बार में, यहाँ अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज पे न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें पासवर्ड देना चाहते हैं वो दे दीजिए। वापस न्यू और इसको सेलेक्ट कर लिया, तो यहां पे अलग पासवर्ड दे, एंड ओके, ठीक है। अब हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे, अप्लाई कब होगा, जब प्रोटेक्ट शीट करेंगे, प्रोटेक्ट शीट कर दिए, अब जैसे इस पे हम टाइप करने जाएंगे मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब मैं इस पे टाइप कर सकता हूँ, कब तक, जब तक मैं इस फाइल को वापस रीओपन नहीं कर लेता, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पे छेड़छाड़ करने जाऊंगा तो मुझसे इसका पासवर्ड पूछेगा, तो ऐसे दो या दो से अधिक एरिया पे अलग अलग पासवर्ड इंप्लीमेंट कर सकते, ठीक है। हर्ष जी, जी सर, कोई डाउट, हाँ सर, कोई डाउट तो नहीं है ना, नहीं सर, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब इसमें अगला टॉपिक इसमें आता है कि देखिए हम किसी भी सीट को हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरा सीट के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, तो जहां पे अलाउ एडिट रेंज किया था उसी के बगल में आपका आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर क्लिक किया एंड ओके किया। अब क्या है, मैं पासवर्ड डाल दीजिएगा, मैं पासवर्ड नहीं डालता हूँ, बताया था भूल जाता हूँ, आप डाल दीजिएगा। अब मैं किसी सीट को ना डिलीट कर सकता हूँ, ना इंसर्ट, ना मूव, मैं सीट से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ भी करने के लिए मुझे अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट के लिए हमें चाहिए होगा पासवर्ड, ओके। अब बात करते हैं कि अब हम कुछ भी कर ले मेरा फाइल तो कोई भी देख सकता है, देख सकता है ना सर, क्योंकि ये फाइल ओपन तो होगी, तो अब मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल को कोई भी पर्सन ओपन ना कर सके, तो उसके लिए हम जाएंगे कहां, फाइल अगर आपका बिल्कुल नया है और आपने सेव नहीं किया है तो सेव करते समय लोकेशन नाम लीजिए, यहाँ लास्ट में टूल्स होता है, टूल्स के जनरल ऑप्शन पे आए पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड, मतलब कि पासवर्ड टू ओपन है, अगर आपने रीड ओनली पे क्लिक कर दिया तो फाइल को ओपन कर सकता है, अगर आप रीड ओनली पासवर्ड भी दिया है तो फिर उस पे क्या होगा, इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर सकता, कुछ एडिट नहीं कर सकता, रीड ओनली में होगा, लेकिन यहाँ पर सजेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा कि अगर आपके पास कोई पुरानी फाइल है उसको आपने सेव एज कर दिया, मान लीजिए कोई पुरानी फाइल है उसको आपने सेव एज कर दिया, तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि आप उस फाइल से जो लिंक वगैरह होंगे वो सारे लिंक टूट जाएंगे, क्योंकि सेव एज होकर डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट नाम पे चला जाएगा ना। क्या हो जाएगा अब जब सेव एज कर देंगे तो फिर उसका हर चीज टूट जाएगा ना, फिर वो सेव एज डिफरेंट हुआ ना, मतलब कि डिफरेंट नेम डिफरेंट लोकेशंस। क्या फिर से सेव करने पे? हाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये तो आपने अभी जो मैंने फाइल ओपनिंग पासवर्ड वाला सिस्टम बताया वो तो बताया कि फाइल पे ना, जब जिस क्रिएट किया उसको हमने सेव दिया नहीं है किसी लोकेशन पे या किसी नाम से सेव नहीं किया, उस पे आप कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी डेटा फाइल है और उसको अगर करते हैं पासवर्ड के लिए, तो उससे जो लिंक्ड होंगे बाकी और भी बहुत सारे चीज वो तो लिंक टूट जाएंगे ना। मेरा फाइल जी लिंक होगा वो तो रहेगा, लेकिन मेरे फाइल से कोई और फाइल लिंक होगा तो वो तो दिक्कत हो जाएगी ना। जी मतलब कि मैं चाहता हूं कि फाइल को बिना सेव किए हुए पासवर्ड डालना, फाइल को बिना सेव किए हुए, तो उसके लिए आपको फाइल में इन्फो में आ जाए। इन्फो के अंदर आपको यहां पे दिखेगा एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इसमें पासवर्ड डाल, ये आपका फाइल को ओपनिंग पासवर्ड डाल देगा बिना सेव एज किए। ठीक है, जी तो आपने सीखा कि एक सेल को कैसे लॉक करें, आपने कॉपी रिमूव सिलेक्शन रिमूव करके कॉपी कैसे डिसेबल करें, आपने सीखा कि एक पर्टिकुलर एरिया को कैसे कॉपी के अंदर रखें या कॉपी के बाहर करें, एक पर्टिकुलर एरिया से कर्सर की सिलेक्शन को कैसे मूव करें, फॉर्मूला को कैसे हाइड एंड हाइड करें, एक ही सीट पे कई सारे पासवर्ड कैसे लगाएं। ओके, जी तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है और पहले दिन मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि फिर उस सर से ऊपर निकल जाए, क्योंकि पढ़ने की हैबिट जी जी कॉलेज छोड़े हुए काफी जमाना हो चुका होगा, हाँ सर कॉलेज छोड़े तो काफी जमाना हो गया होगा ना सर। जी, 15 2015 हाँ, तो इसलिए पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, फिर अगली क्लास में हम आपको अगली